नम्रता, जाहिर सी बात है क्योंकि वो नजदीक के अस्पताल में ही उनको भर्ती कराया गया है। सुबह 4:45 बजे आप बता रही हैं कि ये घटना हुई है और फौरन ही उनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, तो कहीं और अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि उनकी हालत जो है वो स्टेबल होगी, स्थिर होगी, और वाकई में घायल तो वो हुए, गोली लगी होगी उनके पैर में, लेकिन आर पार हो गई क्या गोली? और अभी उनकी कंडीशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या जिस अस्पताल में वो हैं वहीं पर उनको रखा जाएगा और फिर यहीं से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, या फिर परिवार इस पर भी विचार किया कर रहा है कि किसी दूसरे अस्पताल में उनको शिफ्ट किया जाए? जो खबर आ रही है उसके हिसाब से पहले तो औपचारिक तरीके से पुष्टि हो रही है इस बात की, पुलिस ने भी ये कब कहा है कि जो इंसिडेंट हुआ है गोविंदा के साथ में आज सुबह, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सुबह गोविंदा थोड़ी जल्दी में, उन्हें एयरपोर्ट जाना था, कहीं निकल रहे थे वो मुंबई से, उसी दौरान अपने कबर्ड में रखी हुई उनकी जो रिवॉल्वर थी, कुछ सामान निकाल रहे थे कबर्ड से, उस दौरान वो रिवॉल्वर नीचे गिर गई, उनके नीचे गिरी और रिवॉल्वर फायर हुई है। अब एक्सीडेंटली ये रिवॉल्वर फायर हुई है नीचे गिरने के बाद, इसी वजह से उनके पाँव में ये गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि पाँव में गोली लगी है, सिचुएशन को अस्पताल ले गए, अभी उनका इलाज अस्पताल में हो रहा है, अभी उनकी सिचुएशन कंप्लीटली स्टेबल है। इसमें अब कोई एंगल जो अभी तक पुलिस को समझ में आया है, पुलिस ने अपन रिवॉल्वर अपने कस्टडी में ले लिया है, अब वो एक प्रिलिमिनरी जांच तो होगी ही एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर और रूटीन, मगर गोविंदा की हालत बिल्कुल ठीक है, ये एक्सीडेंट है। इसके अलावा अभी तक पुलिस के पास कोई और वर्जन है नहीं देने के लिए, तो एक एक्सीडेंट ही समझा जाए जो आज तड़के सुबह उनके घर पे हुआ है। मेघा प्रसाद हमारे साथ मौजूद है, वही ये जानकारी दे रही है। मेघा, ये बताइए कि आज ने जैसे बताया कि उनको सुबह निकलना था तड़के, मुंबई से वो निकल रहे थे, तो अमूमन जब ट्रैवल करते हैं तो क्या अपना लाइसेंसी हथियार साथ में लेकर जाते हैं? और आज भी क्या जब निकल रहे थे उसी समय जाने के लिए ही साथ में रखने के लिए क्या ये लाइसेंसी हथियार निकाल रहे थे जिस समय ये हादसा जो बताया जा रहा है वो हो गया है? रुमाना, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि ये अपना हथियार लेके ट्रैवल करते हैं या नहीं करते हैं, वो जानकारी पुलिस से हमें नहीं मिली है। उनका सिर्फ यही कहना था कि वो जल्दी में थे और कबर्ड से जब सामान निकाल रहे थे उसी दौरान ये रिवॉल्वर नीचे गिर गई, नीचे गिरी और फायरिंग हुई है। तो अभी जो पुलिस जितना बता रही है हम उसी पर रुके हुए हैं। परिवार वाले या गोविंदा खुद शायद बात करना चाहे मीडिया से, क्योंकि अब बहुत स्पेकुलेशन हो भी गया है पिछले 10-15 मिनट में जब से ये खबर आई है, 10 तरह के अलग अलग एंगल भी लग रहे हैं इस पर, मगर पुलिस का इतना ही कहना है और वो इस बात पर स्ट्रेस भी कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था ये और कुछ भी नहीं है। अब गलती से फायरिंग हुई है रिवॉल्वर में, एक बात एक सवाल तो ये उठता है कि रिवॉल्वर खुद से कैसे फायर कर सकता अगर नीचे गिरी है रिवॉल्वर, फायरिंग हुई है। कुछ एक और वर्जन आ रही थी कि वो साफ कर रहे थे और हाथ से छूट कर गिर गई, तो अब ये जानने की कोशिश रहेगी थोड़ी और देर में कि इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है। मगर पते अभी जो काम की बात है, जो इम्पोर्टेंट है समझना, आफ्टर गोविंदा की सिचुएशन स्टेबल है, कोई परेशानी लग नहीं रही है, पुलिस ऐसा ही कह रही है। बहुत शुक्रिया आपका मेघा प्रसाद। मैं जरा मृत्युंजय का रुख करती हूँ, इस समय हमारे साथ मुंबई से मौजूद है और उनसे जानते हैं। मृत्युंजय, आपको क्या डिटेल्स अभी तक मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, सुबह गोविंदा को एक असाइनमेंट के लिए घर से निकलना था, जिसके लिए वो 5 बजे ही तैयार हो गए थे, और 5 बजे तैयार होकर अपने घर से जब निकल रहे थे उसी दौरान जो गन थी वो जब चेयर से उठे उस समय मिसफायर हुआ है, और मिसफायर होने के बाद उनके थाइज और पैर में चोट लगी है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात थे वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए, और तुरंत पहले तो उन्होंने गन को अपने कब्जे में लिया, एक किनारे किया, और उसके बाद गोविंदा को देखा कि कहाँ पर चोट लगी हुई थी, फिर उनको नज़दीक के क्रिटिकल केयर अस्पताल है मुंबई के अंधेरी इलाके में, वहाँ क्रिटिकल केयर अस्पताल में ले जाया गया है, वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। जो अभी हमारी प्राथमिक बातचीत हुई है उसके मुताबिक बहुत कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें हैं, एक ब्लीडिंग है, खून ज़्यादा बह जाना, और दूसरा एक एज फैक्टर है, इसमें पैनिक भी हो जाते हैं, तो इसको लेकर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई खतरे की बात नहीं है ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन ये घटना मिसफायर की वजह से हुई है अब तक ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आई है। इस पर कोई अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, पहले एक बार तबीयत ठीक हो जाए फिर बयान दर्ज किया जाएगा। और जो उस कमरे में और भी लोग मौजूद थे, मोस्टली जो होम मेड है, स्टाफ है, उनका वही मौजूद था,
उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा और फिर आगे जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल क्रिटिकल केयर अस्पताल में उनको निगरानी में रखा गया है जहां पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। और डॉक्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है जो आप बता रहे हैं कि साहब एक तो उम्र की बात है क्योंकि 60 साल के आसपास की गोविंदा की उम्र है और फिर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई जैसा कि आप बता रहे हैं क्योंकि अभी तक देखिए सिर्फ ये कहा जा रहा था कि पैर में गोली लगी लेकिन आप बता रहे हैं कि थाई मतलब जांघ से होते हुए गोली जो है वो पैर में लगी है क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल हमारी डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे बात नहीं हुई है लेकिन अस्पताल के और भी कर्मचारी हैं जो जिन्होंने इस घटना को नज़दीक से देखा है वो पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी जानकारी के मुताबिक ब्लीडिंग हुई है और चूंकि ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट पैनिक मोड में चला जाता है कि डर जाता है कि ये कैसे हो गया या कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत तो ना हो जाए इस प्रकार से ध्यान रखा जा रहा है। हालाँकि ये भी बताया जा रहा है कि बहुत कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन ब्लीडिंग हुई है उसे रोका जा रहा है या उसके ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ये तज्ञ डॉक्टर जो है वो स्पष्ट बता पाएंगे कि किस जगह पर स्पेसिफिक चोट लगी है और कितनी गहरी चोट है और ये कितनी गंभीर चोट है तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कम से कम इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर इतने नजदीक से गोली लगे तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है और शायद इसी वजह से कि खून बहुत ज्यादा बहने की जो बात कही जा रही है उसका जिक्र अभी मृत्युंजय कर रहे थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।